जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सोमवार 8 जुलाई को आतंकियों के हमले में जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी JCO समेत 5 जवान शहीद हो गए। बता दें कि हमले में घायल 5 जवानों को कठुआ के बिलावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से देर रात पठानकोट मिलिट्री हॉस्पिटल रेफर किया गया है। सेना के सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बल कठुआ से करीब 123 किलोमीटर दूर लोहाई मल्हार ब्लॉक के माछेड़ इलाके के बडनोटा में दोपहर 3:30 बजे पहाड़ी इलाके में पेट्रोलिंग के लिए निकले थे। बता दें कि रास्ता कच्चा था, गाड़ी की रफ्तार भी धीमी थी, एक तरफ ऊंची पहाड़ी और दूसरी तरफ हाई थी। आतंकियों ने पहाड़ी से घात लगाकर सेना के ट्रक पर पहले ग्रेनेड फेंका, फिर स्नाइपर गन से फायरिंग की। बता दें कि सेना ने भी काउंटर फायरिंग की, लेकिन आतंकी जंगल में से भाग गए। बता दें कि फिलहाल सेना आतंकियों की तलाश में हेलीकॉप्टर, UAV और मेटल डिटेक्टर की मदद ले रही है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। देश की रक्षा के लिए जिन 5 जवानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी है, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, पूरा राष्ट्र उन्हें याद रखेगा। वहीं आतंकवाद का खात्मा किया जाएगा, विघटनकारी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि है और आज हमारे 5 वीर जवानों के शहीद होने की सूचना मिली है, जो बहुत ही कष्टकारी है, दुखद है। लेकिन हमारे 5 जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और पूरा राष्ट्र उनको याद करेगा। निश्चित रूप से हमारे इन वीर जवानों का बदला लिया जाएगा, आतंकवाद का सफाया होगा, अलगाववाद का सफाया होगा, विघटनकारी शक्तियों को तगड़ा जवाब दिया जाएगा। ऐसे समय में मैं जिन परिवारों ने अपने बेटों को, अपने पारिवारिक जनों को खोया है, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को भगवान इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे, उनको साहस प्रदान करे। हम सब, पूरा उत्तराखंड, पूरा देश उन वीर जवान शहीद परिवारों के साथ है, हर प्रकार से साथ है। इस दुख की घड़ी में मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको दिवंगत आत्माओं को, उन वीर जवानों को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे।